फ्रेंड्स ऐसा ट्राउजर आप अपने लिए भी बना लीजिए, क्योंकि अभी जैसे ही रमजान स्टार्ट होंगे तो आप लोगों को नमाज के लिए ऐसे ट्राउजर की जरूरत पड़ने ही वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम आपको क्या बताने वाले हैं, आज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इजी है, इजी भी रहेगी कि और बिगनर्स लोग भी इसको बना सकते हैं, स्पेशली ये बिगनर्स के लिए भी है। और जिसको ट्राउजर बनाना नहीं आता है, जो बहुत सोचते हैं जो आगे से बेल्ट पीछे से इलास्टिक और ऐसी कटिंग वैसी कटिंग, जो इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, आज उनके लिए एक सॉल्यूशन वाली वीडियो आ चुकी है जिसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और एकदम आराम से बना लेंगे। फ्रेंड्स वैसे ही आजकल रमजान चल रहा है तो हमने कहा ऐसा किया जाए कि पूरे में इलास्टिक वाला मैं दिखाती हूं, पूरे में इलास्टिक वाला और जो कंफर्टेबल ट्राउजर होते हैं वो हम आपको बताएं। हमें प्रीति ले लिया उठा के। तो फ्रेंड्स हम कुछ इस टाइप का बताएंगे, ये रहेगा पूरा इलास्टिक वाला ट्राउजर और जिसमें मियानी भी रहेगी आपकी। ये जो ट्राउजर होते हैं ना ये यहाँ से उचकते नहीं है, यहाँ से जो साइड होती है ना, यहाँ किसी किसी के ऐसे ऊपर साइड से उचकते हैं ना, तो वो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ चुका है, जिसके जिसके ट्राउजर उचकते थे और जिसको प्रॉब्लम होती थी बनाने में, पूरे में मतलब इलास्टिक वाले चाहिए रहते थे, किसी किसी को बेल्ट वाले नहीं चाहिए रहते, तो किसी किसी को पसंद नहीं रहते, तो पूरे में इलास्टिक वाला और पूरा मियानी वाला और कंफर्टेबल वाला ट्राउजर आज हम आपको कटिंग करना बता रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना है लाइक। तो फ्रेंड्स ट्राउजर बनाने के लिए हमें 2 मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास जो है वो सूट में जो कपड़ा निकलता है ये वो वाला कपड़ा है जो कि 2.25 मीटर है, लेकिन आपको ट्राउजर बनाने के लिए 2 ही मीटर कपड़ा लेना है। ये जो फैब्रिक है कॉटन का है, ये देख लीजिए आप, ना ज्यादा पतला है ना ज्यादा मोटा है। कपड़े को खोलकर सिंगल कर लेंगे और इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद ये दोनों घड़ी को घड़ी से मिला देंगे। ये हमने मिला दिया, अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये दोनों को पलटना है, एक बार फोल्ड करना है, और ये किनारे वाला जो हिस्सा है वो हमें अपनी साइड रख लेना है। मतलब ये जो खोली वाली साइड है ना वो हमने अपनी साइड रख लिया और उस साइड रख दिया हमने पैक। कपड़े को अच्छे से बिछाने के बाद सबसे पहले हमें ये किनारे काट कर अलग कर देना है, क्योंकि ये किनारे बहुत ज्यादा दिक्कत देती है हमें, तो इसको हम काट के हटा देंगे। किनारे हमने कटिंग कर ली है और इसको अलग कर देंगे। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ऊपर भी आपको काट कर सीधा कर लेना है, हमारा सीधा ही है कपड़ा। फ्रेंड ट्राउजर बनाने के लिए ज्यादा नाप लेने की जरूरत नहीं होती है, जहाँ से आपको पहनना है वहां से ये जो टखने होते हैं यहाँ तक आपको लंबाई का नाप लेना है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं बनाना है। जिसको लंबा बनवाना है वो पूरा फुल लंबा भी ले सकता है। लंबाई का नाप ले लिया, इसके बाद यहाँ पर मोहरी का नाप लेना है, वो भी थोड़ा सा लूज लेना है। इसके बाद यहाँ का नाप लेना है और फिर थाइस का नाप लेना है। 3 नाप ले लिया आपने फिटिंग की और 1 ले लिया लंबाई का, 4 हो गए। और इसके बाद 1 नाप लेना है फिटिंग की कमर का, फिटिंग नापना है कमर को, क्योंकि इलास्टिक डलेगी तो उससे वो आराम से बन जाएगा। तो ये तो हो गई हमारे नाप की बात, अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। और सबके नाप में एक जैसा ही रखना है, कुछ अलग अलग नहीं करना है, लंबाई वैसी रहेगी, लंबाई वैसा ही नाप लेना है आपको, और फिटिंग सबकी अलग अलग होगी, आपको अपने नाप की अपने हिसाब से रखना होगी। ये मैंने आपको नाप लेने की ट्रिक बताई है, आपको अपने हिसाब से अपने नाप से बनाना है, ये हमने कस्टमर के नाप से बनाना बता रहे हैं आपको। तो चलिए करते हैं कटिंग करना स्टार्ट। यहाँ पर हमको 2 इंच का निशान लगाना है, इलास्टिक डालने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना होगा कपड़ा हमें। तो यहाँ पर एकदम सीधी लाइन खींच लेंगे और सभी को 2 ही इंच छोड़ना है, क्योंकि 2 इंच दब जाता है इलास्टिक में अंदर, फोल्ड करते हैं और उसमें मिला। इलास्टिक का कपड़ा छोड़ने के बाद आपको लंबाई का निशान लगाना है, तो यहाँ से इंची टेप को रखना है, बीच से यहाँ से रखा और नीचे तक चले जाएंगे हम। तो लंबाई हमारी है 36.5 इंच, 36.5 इंच हमारी तैयार लंबाई है। और यहाँ पर हम एक्स्ट्रा रख लेंगे, अगर आपको चौड़ा मोड़ना है तो आप ज्यादा कपड़ा रख लीजिए, हमें नॉर्मली 2.5 इंच का मोड़ना है तो हम 3 इंच रखेंगे, आधा इंच हमारा सिलाई में दबेगा, इस साइड पलटेंगे तब। तो हमने ये 3 इंच एक्स्ट्रा रख लिया है यहाँ पर मोड़ने के लिए। लंबाई का निशान हमने लगा लिया है और आपको अपनी लंबाई का निशान लगाना है, हमारी लंबाई के हिसाब से आप मत बनाइएगा। इसके बाद आपको थाइस की जितनी भी फिटिंग है आपकी, हमारे जो नाप है उसमें थाइस की फिटिंग है 25 इंच, 25 का आधा हो जाएगा 12.5 इंच। तो यहाँ पे जो कमर के पास हमको जो निशान लगाना है वो 12.5 इंच का लगाना है। ये देखिए हमने 12.5 का निशान लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ से इंची टेप रखना है और नीचे की साइड ले जाना है। क्रोच एरिया का साइज रहेगा वो 14 इंच रहेगा, और देखिए सभी को 14 इंच पर लगाना है, नॉर्मल लंबाई रहेगी तो 14 इंच पर लगाना है आपको क्रोच एरिया। और अगर आपकी लंबाई थोड़ी ज्यादा है और थोड़ा ज्यादा हेल्दी साइज का बनाना है आपको तो 15 लगा लीजिए, और ज्यादा ही हेल्दी बनाना है तो 16 लगा लीजिए, इससे ज्यादा बड़ा मत लगाइए और 14 से ज्यादा छोटा ही मत लगाइए, क्योंकि फिर वो टाइट होता है पहनने में, पूरा ऊपर तक नहीं आता, फिर वो नीचे नीचे खसकता है। जो अपन मियानी वाला बनाते हैं उसमें तो आपको 14 ही लगाना है मियानी।
इसके बाद हमको ये जो मियानी का निशान लगाने के बाद 2 इंच नीचे लगाएंगे हम फिटिंग का निशान, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 इंच। तो थाइस की फिटिंग कितनी आ रही थी हमारी 12.5, उसमें हम आधा इंच बड़ा ले लेंगे, 13 पर लगाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर हमारी सिलाई में भी जाएगी, आधे इंच सिलाई में दब जाएगा, आधे इंच हमारा सिलाई में दब जाएगा, इसलिए हम ये निशान 13 पर लगाएंगे। अब इंची टेप को लेंगे और इसका आधा आधा कर लेंगे, 13 का आधा कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 6.5 इंच, 6.5 इंच हो गया। तो यहाँ से इंची टेप को लेना है और 6.5 पर निशान लगा लेना है, और यही निशान हमको एक नीचे भी लगाना है 6.5 पर ही। अब इससे हमारा निकल आया बीच का सेंटर, तो बीच सेंटर पर एक लाइन खींच लेंगे लंबी, ये वाली लाइन खींचने के बाद अब ये वाली खींच लेते हैं हम। इसके बाद हमें यहाँ की पैर की फिटिंग लगाना है, तो पैर की फिटिंग हमारी 12 इंच है, 12 का आधा हो जाएगा 6, देखिए 12 फिटिंग है हमारी ये गोलाई की, तो आधा करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, अब इसका भी आधा करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, ये देखिए। तो हम ये 3 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ से इंची टेप को यहाँ सेंटर से रखना है, तो 3 इंच यहाँ निशान लगाना है और 3 इंच यहाँ लगाना है, 3-3 इंच पर हमने ये निशान लगाए, तो दोनों मिलाकर हो जाएंगे हमारे 6 इंच। अब यहाँ से इंची टेप को लेना है और यहाँ से आपको 8 इंच ऊपर एक निशान लगाना है। अब नीचे की फिटिंग हमने ये लगा ली है, अब हमको यहाँ की फिटिंग लगाना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज जो रहेगा वो 8 इंच रहेगा, अगर किसी की हाइट कम है तो फिर आप 7 इंच पर लगा लीजिए। अब यहाँ की फिटिंग हमारी 18 है, तो 18 का आधा कितना होता है, देखिए 9, पूरा 18 रहेगा, 18 का आधा हो जाएगा 9 का आधा हो जाएगा, डायरेक्टली करना आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो इंची टेप को ऐसे मोड़िए, 9 का आधा हो जाएगा 4.5 इंच। तो यहाँ से इंची टेप को रखना है बीच सेंटर से, 4.5 पर उस साइड निशान और 4.5 पर इस साइड निशान, ये हमारा निशान लग गया। अब हमको क्या करना है, बड़ा वाले स्केल लिए हमने, अभी इसको यहाँ से लेंगे, यहाँ से इस निशान से इसको मिला देंगे, और इसके बाद इसको राउंड वाली साइड से, वो भी ना दीदी राउंड वाली साइड से मिलाना है, इसको आगे बढ़ाया हमने और इसको इससे मिला देंगे, मिला लिया हमने, यहाँ तक मिलाया है और इस निशान को सीधी लाइन खींच लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर हमको ऐसे गोलाई कर देना है और इसको इससे मिला देना है, ये देखिए मिल गया हमारा। अब ये वाला जो निशान हमने लगाया था इसको यहाँ से लंबा ले लेना है यहीं तक पूरे। अब क्या करना है आपको, इसी स्केल को पहले हमने इस साइड से घुमाकर लगाया था, अब इस स्केल को इस साइड घुमा देंगे हम, इस साइड घुमाने के बाद इस निशान से इसको मिलाएंगे, राउंड वाली साइड से ही मिलाना है आपको, ये हमारा मिल गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और ये वाली जो लाइन आ रही ना हमारी, इस लाइन तक इस निशान को हमें खत्म करना है, हल्का हल्का सा पतला पतला सा कम होता जाएगा, ये देखिए कम हो गया, अब कम हो गया है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर तो आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, तो हम निशान लगा के आपको बता रहे हैं, हम डायरेक्टली ले लेते हैं, देखिए इतना ये मार्जिन क्यों ले रहे हैं दीदी, ये मार्जिन हमने इसलिए लिया है ताकि बाद में कभी आपको टाइट हो तो आप ढीला कर सकें। यहाँ पर हमको 1.5-1.5 इंच मार्जिन लेना है और यहाँ पर सिर्फ आधे इंच मार्जिन लेना है, वो भी सिर्फ सिलाई के लिए। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, इसकी कटिंग करना स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे, वहां तक का हमारा कट गया, अब हमको यहाँ से कटिंग करना है। तो देखिए यहाँ से ऐसे पतला पतला कटिंग करना है, यहाँ से ऐसे राउंड कर देना है इसको। अब यहाँ पर हमें एक कट लगा देना है और एक कट हमें यहाँ पर लगाना है और एक कट यहाँ पर, और कमर जो है 36.5 इंच की है, इसमें 36.5 में से हम 4 इंच कम करेंगे और इलास्टिक डालेंगे। ट्राउजर की कटिंग तो हो गई है, अब इसी कपड़े को हम खोलकर सिंगल कर लेंगे और इसमें से मियाने निकालेंगे। देखिए ये लिया हमने, यहाँ से ऐसे फोल्ड किया एक बार, यहाँ से यहाँ तक आपको 3 इंच का निशान लगाना है मियाने के लिए, लंबाई में आपको 7 इंच रखना है, यहाँ से हल्की सी गोलाई देना है और यहाँ से एकदम सीधा लेना है तिरछे में। ये हमारी मियानी भी कट हो गई है और इसी के साथ हमारे पूरे ट्राउजर कटिंग कंप्लीट हो गई। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आपको प्रीति इसकी स्टिचिंग बता रही है करना, तो फ्रेंड्स चलिए करते हैं इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वैसे बनाने में तो बहुत ही इजी है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और बिना स्किप करे वीडियो को तो बिल्कुल आराम से सीख जाएंगे, और ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा मैं, बस 5 मिनट में आपको स्टिच करके बता दूंगी। तो आपको पहले मियानी साइड में कर देना है और ये हमारे 4 पार्ट है, 1, 2, ये वाला 3 और ये चार पार्ट है। इसमें से क्या करना है आपको, 2 अलग कर देना है और 2 अलग कर लेना है, हमने सामने ही रख लिए 2 अलग-अलग करके। तो आपको अब क्या करना है, यहाँ से आपको सिलाई लगाना स्टार्ट करना है, यहाँ से सिलाई लगाएंगे आप पूरे नीचे तक, और इस वाले में भी आप यहाँ से सिलाई लगाएंगे पूरे नीचे तक। देखिए फ्रेंड्स ये हमने सिलाई इसमें लगा दी है और हमें दमाना इतना ही है, 1 सेंटीमीटर लगभग है ये हमारा,
और यहाँ पर आपको पक्की सिलाई कर देनी है और यहाँ कॉर्नर पे पक्की कर देनी है। और जैसे हमने इसको तैयार किया है ऐसे ही हम इस वाले में सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दोनों की हमने ये साइड की फिटिंग वाली सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है, इसको खोल देना है। इसको हमने खोल दिया, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें दो सिलाई लगाना, एक तो पॉइंट की और एक बूट की। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात क्या है जो उसमें ध्यान रखना है, वो है इसके मार्जिन की। ये जो मार्जिन है इसमें हमने इस साइड किया है, ये वाला जो पैर रहेगा इसका मार्जिन हमें इस साइड करना पड़ेगा। किस साइड? इस वाली साइड। ऐसे दोनों का बाहर जाना चाहिए या फिर दोनों का अंदर आना चाहिए, सेम डायरेक्शन रखना है हमें दोनों का। इसको हम खोलेंगे, खोलने के बाद इसका मार्जिन अभी हमारा इस साइड जा रहा है, तो इसके ऊपर हम पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। ये हमने एक पैर में लगा दी। इस वाली का मार्जिन हमने इस साइड किया था, तो जब हम इस वाले में स्टार्ट करेंगे तो हम ऊपर से स्टार्ट, लेकिन मार्जिन जो रहेगा हम इस साइड कर लेंगे। इस वाली साइड, इसका इस साइड किया था, इसका इस साइड कर देंगे। इस पे भी पॉइंट की सिलाई नीचे तक लगा देंगे। पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद अब हम बूट की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बूट की सिलाई भी लग चुकी है और यहाँ का हमारी साइड साइड से बनके तो रेडी हो चुका है। और मैंने आपको सिलाइयाँ क्यों बताई थी, ये देखिए, जब हम इसको पलटेंगे ना, मार्जिन जो रहेगा हमारा, देखिए इसका इस साइड जा रहा है तो इसका भी अब हमारा इस साइड ही जा रहा है, तो ये एकदम सही आ रहा है। जब हम पहनेंगे तो दोनों का या तो आगे साइड आएगा या फिर पीछे साइड जाएगा, तो सही लगेगा। अगर एक का पीछे जाएगा एक का आगे आएगा तो अच्छा ही नहीं लगेगा, फिर ऐसा लगेगा छोटा बड़ा ट्राउजर पहन लिया हो। इसलिए मैंने बताया मार्जिन का विशेष ध्यान रखना है आपको। अब हमें क्या करना है, इसको कर लेना है आपको उल्टा, इसको आपको उल्टा रख लेना है और इसको आपको इसके ऊपर उल्टा करके रख देना है, मतलब सीधा जो रहेगा आपको ऊपर दिखेगा और ये जो निशान वाला रहेगा ये ऊपर साइड आना चाहिए। आ गया निशान वाला हमारा, और यहाँ से इसको मिलाएंगे। निशान वाला कपड़ा हमारा ऊपर साइड आना चाहिए पर निशान हमारे ये नीचे साइड जाएंगे। यहाँ से मिलाया, हाथ से टोक कर ये निशान उठा लेना है। ये थोड़े से लाइट है तो इनको हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे चौक दोबारा से लगा के इनके ऊपर। ये देखिए, ये हमारा मोड़ने का निशान आ गया। वैसे तो ये कट लगे हैं तो इससे हम मोड़ लेंगे। निशान लग गए, इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हमारा यहाँ का नीचे वाला बॉटम है, ये वाला जो बॉटम होता है इसको फोल्ड करना है। तो ये हमारा कट लगा है, ये कट, ये निशान और ये वाला कट, यहाँ से ऐसे हमें इसको मोड़ देना है इस तरीके से। ये हमारी 12 फिटिंग है, ये आप याद रखिएगा। ये हमने मोड़ दिया, इसके बाद इसको कर देना है सीधा और एक सिलाई लगाना है हमें बूट की। इसके जैसा हमें इसको भी फोल्ड कर देना है। दोनों के बॉटम हमारे मुड़ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, एक हिस्सा ले लेना है और इसको हमें रखना है सीधा करके। ये हमने सीधा करके रखा है, इसमें से एक म्यानी उठाएंगे और ये जो दीदी ने कट लगाया था यहीं से हम इसको मेजर करेंगे और यहाँ से हम इस म्यानी को यहाँ पर लगा देंगे और ये वाली म्यानी लेंगे और इसको पलट के यहाँ से मेजर करेंगे और यहाँ पर लगा देंगे। ये हमने म्यानी लगा दी, इसके बाद हम इसको पलट देंगे। इसका मार्जिन इस साइड जाना चाहिए और इसके ऊपर लगाएंगे पॉइंट की सिलाई। एक म्यानी लगा दी, ऐसे ही हमने ये वाली म्यानी भी लगा दी। अब हम इसको सीधा ही रखे रहेंगे और दूसरा वाला जो पार्ट है हमारा, एक ही पार्ट में क्योंकि हमने दोनों म्यानी लगाएंगे, दूसरा पार्ट इसके ऊपर रख लेंगे। ये हमने रख दिया, यहाँ से लेना है, इसको मिला देना है और यहाँ से हमें सीधी सिलाई लगाना है यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से सुई को अंदर रखना है और इसको टर्न कर देना है। ये देखिए म्यानी हमारी बिल्कुल कट तक आना चाहिए, तो ये बिल्कुल आ रही है और यहाँ पर भी कोई सल नहीं बनी है। और सीधा करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इस टाइप से आना चाहिए, कोई सल नहीं बननी चाहिए। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने इसको लगाया है ऐसे ही इसको पलट देंगे और ऐसे ही हम इस साइड वाला हिस्सा भी यहाँ से यहाँ तक सिल देंगे। इस साइड भी हमने इसको अटैच कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे पलट देना है। ये जो हमने म्यानी लगाई थी इसका मार्जिन हमने इस साइड किया था, ये वाली जो म्यानी है इसका मार्जिन हमें इस साइड करना है दोनों का आमने सामने, और इसके ऊपर लगाना है हमें पॉइंट की सिलाई। और यहाँ से हमने जो टर्न किया था यहाँ से हम एक छोटा सा कट लगा देंगे और वो भी इस साइड भी लगाना है कट। अब हमें पॉइंट की सिलाई लगाना कैसी है, इसको हम खोल के करेंगे सिंगल। सिंगल कर दिया और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस वाले साइड से। ये हमने एक म्यानी ली, वहां से लेके यहाँ तक पॉइंट की सिलाई लगाकर यहाँ पर निकाल दिया है हमने इसको, और यहीं से लेना है नीचे साइड से और दूसरी म्यानी के ऊपर हमें पॉइंट की सिलाई लगानी है। ये देखिए यहीं से स्टार्ट कर लेंगे।
यहीं से हमारा ये बाहर आ चुका है और ये मियानी में हमारी पॉइंट की सिलाई लग चुकी है और इस धागे को हम कट कर देंगे। और अब हमारी कमर कितनी है, 36.5 इंच, मतलब 36.5 इंच। तो आपको जितनी भी कमर हो आप उसमें से 4 इंच कम कर दीजिए और इलास्टिक ले लीजिए, आप अपनी कमर के नाप के अकॉर्डिंग लीजिएगा। 4 इंच कम करके 32.5 इंच की हमने इलास्टिक ले ली है। इसको ऐसे पकड़ना है और ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख देना है और यहाँ पर इसमें सिलाई लगाना है पक्की वाली, वो भी ये लगा दी। इसको करेंगे साइड में और इसको कर लेंगे हम सीधा। सीधा करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा है ना ये अब सीधा हो गया, ये गोल गोल हिस्सा है और इसमें हम ये गोल गोल इलास्टिक लगा देंगे इस टाइप से, ऐसे आ जाएगी गोल गोल। और फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप लोग बहुत दिन से पूछ रहे थे इलास्टिक कैसे लगाते हैं, तो मैं आपको आज बता ही रही हूँ अच्छे से। ये हमने यहाँ पर इलास्टिक रखी, ये हमारा फोल्ड करने का निशान है, तो यहाँ से लेना है और इतना हमें इसको अंदर फोल्ड करते जाना है। देखिए फ्रेंड्स अभी हमारी इलास्टिक कम पड़ रही है तो इसको ऐसे खींच लेंगे, मार्जिन को बाहर कर लेंगे, यहाँ से इलास्टिक को खींचते जाएंगे और यहाँ से मार्जिन इकट्ठा करते जाएंगे। अभी हम जो सिलाई लगा रहे हैं इसमें हमारी इलास्टिक नहीं दबनी चाहिए और ये जो हमारी सिलाइयां आ रही है ना यहाँ से हम इसको मिलाते जाएंगे ताकि छोटा बड़ा अगर हो रहा हो तो ये हमारा यहीं पे कवर होता जाए, अगर होगा तो हम ऐसी चुन्नट भर देंगे। इलास्टिक को हमने गोल गोल तो इसको चढ़ा दिया है, अब हमें क्या करना है, इसको लेना है और ऐसे खींच के इस मार्जिन को बराबर कर देना है ताकि ये सभी जगह से बराबर हो जाए। होगा या बराबर, इसको अब ऐसे ही रख लेना है हमें। और ये हमारा सीधा है, ये हमारा उल्टा है, तो उल्टी साइड से ही हमें इसमें सिलाई लगानी है ताकि जो सल वगैरह अगर आए तो वो अंदर चली जाए, बाहर ना देखें। एक साइड से पीछे से खींचना है, एक हाथ से आगे से खींचना है और इस तरीके से इलास्टिक के ऊपर हमें सिलाई लगाना है। ये एक सिलाई हमारी यहाँ तक लग चुकी है, ये हमने 1 सेंटीमीटर दबाकर ये पूरी सिलाई लगाई है। 1 सेंटीमीटर और दूर लेंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर दूरी से एक सिलाई और लगा दें हम इलास्टिक के ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी इलास्टिक इसमें लग चुकी है और ऊपर हमारी कोई भी सल नहीं आई है और अंदर अगर आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर साइड नहीं आना चाहिए। ये हमारा इतना काम हो चुका है, अब हमें बस बची है बस इसमें फिटिंग करना, तो इसको हम कर लेंगे उल्टा। और निशान तो हमने पहले ही उठा लिए थे तो निशान उठाने की भी जरूरत नहीं है, उल्टा कर लिया हमने और म्यानी से म्यानी को मिलाएंगे। ये मिला दिया और यहाँ से लेंगे ये और एक हिस्सा लेकर यहाँ से हम फिटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे निशान वाली साइड से। और यहाँ की बॉटम की फिटिंग कितनी थी आपको याद करवाई थी ना मैंने, बताई आप लोग जल्दी जल्दी फटाक से कमेंट करके। यहाँ की फिटिंग है हमारी 12 इंच की, ये देखिए दिख भी रही है यहाँ से, यहाँ से लेना है और 12 का आधा हमें 6 इंच पर निशान लगा देना है। ये हो गया हमारा 6 इंच, ये जो हमारे निशान लगे हुए हैं इन्हीं निशानों के ऊपर से हम फिटिंग करते जाएंगे और म्यानी के पास केवल हमें आधे इंच ही दबाना है। यहाँ से भी लेना है हमें और पैर की फिटिंग लगा देना है 12 का आधा 6 इंच। कॉर्नर पे हमने पक्की सिलाई कर दी, इसी सिलाई को हम ऐसे चटका देंगे, नहीं चटकती वैसे ट्राउजर की सिलाई तो, और इसी सिलाई के ऊपर हम डबल सिलाई कर देंगे। देखिए डबल सिलाई लगाकर यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक की हमारी फिटिंग हो चुकी है और इसी के साथ हमारा पूरा म्यानी वाला पूरा गोल गोल में इलास्टिक वाला और विथ मार्जिन, जिसमें मार्जिन भी रहेगा, विथ मार्जिन वाला ट्राउजर बन चुका है, जिसको आप इन फ्यूचर अगर मोटे भी हो जाते हैं तो आप ढीला भी कर सकते हैं, ऐसा ट्राउजर बन चुका है और ये कंफर्टेबल भी रहेगा और ये यहाँ से उचकेगा भी नहीं, यहाँ से साइड से बिल्कुल नहीं उचकने वाला है। तो आप लोग बताइए ये आपको कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो कर दीजिए लाइक। और फ्रेंड्स ऐसा ट्राउजर आप अपने लिए भी बना लीजिए क्योंकि अभी जैसे ही रमजान स्टार्ट होंगे तो आप लोगों को नमाज के लिए ऐसे ट्राउजर की जरूरत पड़ने ही वाली है। और जो लोग मतलब जिसको नमाज व्रत नहीं जिसको रोजा नहीं रखना है जो वो भी पहन सकते हैं, उनके लिए भी कोई मना नहीं है। और जो लोग घर में मतलब जो लोग काम करते रहते हैं, घर की जो लेडीज रहती है जिनको वो मतलब ऐसे सब्जी काटना, बच्चों को गोद में लेके बिठाना पड़ता है, उनके लिए खास तौर पे अच्छा है। जिनको बच्चों को गोद में लेके बैठना रहता है, बैठने वाला ट्राउजर जो होता है ना जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं, ये वैसा वाला ट्राउजर है। तो आप लोग ऐसा अपने लिए भी बना लीजिए, एक बना के देखिएगा और हम लोगों को कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। और ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।